1917. अगर आप वार ड्रामा फिल्म देखने के बहुत ज़्यादा शौकीन हैं, अगर आपको वार फिल्म अच्छी लगती हैं, आपने 2019 में आई 1917 का नाम तो ज़रूर ही सुना होगा। ज़्यादातर में से आपने शायद इस फिल्म को देखा भी हो। तो आज हम इसी फिल्म के बारे में रिव्यू करने जा रहे हैं। इस फिल्म के बारे में पूरा कम्प्लीट रिव्यू करेंगे। मैं आपको बताऊँगा कि ये वाली फिल्म वर्थ वॉचिंग है या नहीं, ये जो है वार की फिल्म है, ये जितनी भी अभी तक हॉलीवुड की वार की फिल्म आई है उनसे कैसे मुख्तलिफ है। तो इस वीडियो में हम मूवी 1917 जो कि 2019 में आई थी, फिल्म का रिव्यू करेंगे। तो रिव्यू पूरा देखने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अब जो एक चीज़ अगर आपने पहली फिल्म देखी है, आपको शायद पता भी होगी, जो एक चीज़ जो इस फिल्म को जो है बाकी फिल्मों से स्पेशल बनाती है, अलग बनाती है, वो है क्योंकि ये वाली फिल्म जो है सिंगल टेक में है। यानी हमें इस पूरी मूवी के अंदर कोई भी जो है यानी हमें इस पूरी मूवी के अंदर कोई भी कट सीन देखने को नहीं मिलता, और आप ऐसी मूवीज़ को वन शॉट सिनेमा भी कह सकते हैं। और ये कोई पहली सिंगल टेक मूवी नहीं है, इससे पहले भी काफ़ी ज़्यादा सिंगल टेक या वन शॉट सिनेमा मूवीज़ आ चुकी हैं, जैसा कि लॉस्ट इन लंदन। अब इस फिल्म के अगर हम डायरेक्टर की बात करें, तो इस फिल्म को डायरेक्ट किया है सैम मेंडेस ने, जो कि इससे पहले भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी फिल्म डायरेक्ट कर चुके हैं, जैसा कि अमेरिकन ब्यूटी और स्काईफॉल। अगर इस शो की रीडिंग कास्ट की बात करें, तो इसमें हमें रीडिंग एक्वर्ड मैकॉय, चार्ल्स चॉपमैन देखने को मिलते हैं, और इसी के साथ साथ हमें शो में रिचर्ड मैडन भी देखने को मिलते हैं, जो कि रॉब स्टार का रोल निभाते हैं गेम ऑफ थ्रोन्स में। इस फिल्म में हमें बेनेडिक्ट कंबरबैच भी देखने को मिलते हैं, जो कि जिनका बहुत छोटा सा रोल होता है। अगर आपने एमसीयू देखी है, तो आप इनको डॉक्टर स्ट्रेंज के कैरेक्टर से बिल्कुल पहचानते होंगे। अभी ना स्पॉइलर दिए मैं इस फिल्म की मूवी के बारे में बताऊँ, तो वर्ल्ड वॉर वन की कहानी है, जहाँ पे दो ब्रिटिश सोल्जर को एक मैसेज रिवर करने का काम दिया जाता है। जो मैंने आपको बताई इस मूवी का इस मूवी का सिर्फ 10-15% होगा। इसकी स्टोरी की बात करें, जो कि मैंने भी आपको बताई, इसका स्पॉइलर आगे बिल्कुल नहीं दूंगा। इसकी स्टोरी सिंपल है, मगर जैसा कि मैंने आपको बताया, ये फिल्म जो है सिंगल टेक में बनी है। तो इस फिल्म की खास बात ये जो सिंगल टेक है, आपको शुरू से लेकर एंड तक जो है मेन जो इसकी मैंने आपको बताया जो रीडिंग कैरेक्टर्स हमें देखने को मिलते हैं, उसमें आप उससे कनेक्ट रहते हैं। तो हमने दोनों कैरेक्टर्स और जो हमें दोनों कैरेक्टर्स के दरमियान केमिस्ट्री दिखाई गई, उनकी स्टोरी दिखाई गई है, बिल्कुल मूवी के स्टार्ट से एंड तक वो बहुत ही बेहतरीन है। और वन शॉट मूवीज़ का यही फायदा होता है, अगर हम कंपेयर करें इसको किसी दूसरे मूवीज़ अगर हम दूसरी मूवीज़ को कंपेयर करते हैं, उसमें हमें बिल्कुल कट सीन जैसे देखने को मिलते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, तो हम करेक्टर से उतना हम जो है उससे कनेक्ट नहीं हो पाते। मगर वन शॉट फिल्म का एक ये फ़ायदा है, मैं आपको इसका ये भी एडवांटेज है कि हम स्टार्ट से लेकर एंड तक जो है करेक्टर के साथ हम कनेक्ट हो पाते हैं। और इस फिल्म में जो हमें सिनेमेटोग्राफी दिखाई गई ना, वो एक बेहतरीन है। हम जो स्पेशली जब हम वार फिल्म की बात करते हैं, हमें पता है हॉलीवुड जो है कैसी बेहतरीन, अगर मैं उनकी कितने भी फिल्मों की बात करूँ, उन्होंने जितने भी वार फिल्म बनाई, उसमें सिनेमेटोग्राफी एक बहुत ही अलग ही लेवल की होती है। तो इस फिल्म के साथ भी बिल्कुल यही है। इसमें हमें जो VFX यूज़ कर दिखाया गया, वो भी एक बहुत ही अच्छे किस्म जो कि VFX दिखाया गया, वो भी एक बहुत ही अच्छे किस्म के बहुत सिनेमेटोग्राफी को मैं बिल्कुल 10/10 नंबर दूंगा। अगर मैं एक्टिंग की बात करूँ, तो एक्टिंग जितने भी लीडिंग कर और अगर मैं एक्टिंग की बात करूँ, तो सबकी जितने भी एक्टर्स हैं, सबकी एक्टिंग बड़ी अच्छी है, सब ने बहुत अच्छा काम किया। हमारे रीडिंग कैरेक्टर्स के अलावा जो साइड के कैरेक्टर्स हैं, उन सब ने भी बहुत ही अच्छा अपने अपने रोल को निभाया, सबकी एक्टिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। तो बात करते हैं फिल्म को देखने या ना देखने की। तो देखें, अगर आप लोग वार फिल्म के फ़ैन हैं, अगर आप वार की जितनी भी फिल्में देखते हैं, ऐसी फिल्में देखते हैं जिसमें हमें एक्शन हो, क्योंकि वार की फिल्में में एक्शन तो हमें देखने को मिलेगा, तो तब तो मैं आपको ज़रूर रिकमेंड करूँगा आप इस फिल्म को देखें। और अगर आप कोई वैसी फिल्म ढूंढें जिसमें हमें एक्शन हो, जिसमें हमें स्टोरी लाइन हमारी बहुत अच्छी हो, तो ये भी आपके लिए फिल्म अच्छी चॉइस हो सकती है। तो बस यही था आज की वीडियो में। मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपने 1917 फिल्म देखी या नहीं। अगर आपने देखी है, तो आपको कैसी लगी। इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।